हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू मैथ मैजिक वर्कबुक। प्लीज टेक आउट योर पेज नंबर 77। अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। कंटेन नीडेड टू प्रिपेयर वन ग्लास ऑफ लेमनेड, वन ग्लास ऑफ वाटर, थ्री स्पून ऑफ शुगर, वन पिंच ऑफ सॉल्ट, 15 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। हमें यहाँ पे क्या दिया है, वन ग्लास ऑफ लेमनेड में मतलब नींबू के शरबत में हमने कितनी कितनी क्वांटिटी क्या क्या यूज़ किया वो बताया। वन ग्लास ऑफ वाटर, थ्री स्पून ऑफ शुगर, वन पिंच ऑफ सॉल्ट, 15 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। ओके, हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब ये जो बताया गया है, कंटेंट दिया गया है, हमें उनको देखकर यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है। हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू ग्लास ऑफ लेमनेड। देखिए, हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू ग्लास ऑफ लेमनेड। वन ग्लास ऑफ लेमनेड में हमें कितना ग्लास वाटर यूज़ किया था, वन ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या कितना है, टू ग्लास ऑफ वाटर लेमनेड है, तो हमें कितना वाटर यूज़ करना होगा, टू ग्लास। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू ग्लास। हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर थ्री ग्लास ऑफ लेमनेड। यहाँ पे देखिए, वन ग्लास ऑफ लेमनेड में थ्री स्पून शुगर है, तो थ्री ग्लास ऑफ लेमनेड में कितना स्पून होगा शुगर, 9 स्पून। ओके, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू ग्लासेस ऑफ लेमनेड। मतलब पूछा यहाँ पर, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस रिक्वायर्ड टू ग्लास ऑफ लेमनेड। टू ग्लास ऑफ लेमनेड में कितने ड्रॉप्स थे, 15 ड्रॉप्स थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, टू ग्लास में 30 ड्रॉप्स। ओके, हाउ मेनी पिंचेस ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर थ्री ग्लास ऑफ लेमनेड। देखिए, यहाँ पे थ्री ग्लास ऑफ लेमनेड में हमें कितना पिंच सॉल्ट चाहिए होगा, वन ग्लास में हमें वन पिंच है, तो थ्री ग्लास में कितना होगा, 3 पिंच सॉल्ट। ओके, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन होल लेमन इफ 15 ड्रॉप्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हाफ लेमन। हाफ लेमन में कितने ड्रॉप्स थे, 15 ड्रॉप्स, तो पूरे जो लेमन होंगे उसमें कितने ड्रॉप्स होंगे, 30 ड्रॉप्स। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन फोर, हाउ मच टू पे राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पे देखिए, टू ग्लास ऑफ शुगर केन दिया है, वन कैसा है, वन स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर केन, वन बिग ग्लास ऑफ शुगर केन। ओके, तो जो स्मॉल ग्लास का शुगर केन है वो कितने रुपीज़ का है, 5 का, और जो बिग ग्लास का शुगर केन का जो ग्लास है वो कितने का है, 10 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन भी हमें पूछा है, हमें उसका आंसर देना है ये ग्लास को देखते हुए। ओके, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर टू स्मॉल ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। अगर हम टू ग्लास का गन्ने का जो शुगर केन का जूस है वो हम लेंगे स्मॉल ग्लास से, तो हमें कितना रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, 10 रुपीज़। ओके, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर टू बिग ग्लासेस ऑफ शुगर केन। अगर हम बिग ग्लासेस शुगर केन का लेंगे तो कितना हमें पेड करना पड़ेगा, 1 का 10 है तो 2 का कितना, 20। ओके, हाउ मेनी रुपीज़ विल अ स्मॉल ग्लासेस एंड अ बिग ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस कॉस्ट। देखिए, वन स्मॉल ग्लास है और वन बिग ग्लास, तो टोटल कितना हुआ, 5 कितने रुपीज़ का है, 10, तो 3 शुगर केन लेंगे, 3 ग्लास ऑफ शुगर केन लेंगे जूस का, तो कितना मिलेगा हमें, 30 रुपीज़ हम पेड करेंगे। ओके, हाउ मेनी रुपीज़ शुड बी पेड फॉर 3 बिग ग्लासेस एंड स्मॉल ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। देखिए, यहाँ पे क्या है, हम कितना पेड करेंगे, 3 बिग ग्लास दिया है और फिर वन स्मॉल ग्लास, 3 बिग ग्लास मतलब 30 प्लस 5 कितना हुआ, 35।
हाउ मेनी रुपीज विल थ्री स्मॉल ग्लासेस एंड अ बिग ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस कॉस्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि थ्री स्मॉल ग्लासेस ओके और वन बिग ग्लास, तो थ्री स्मॉल ग्लास मतलब 15 प्लस 10 कितना हुआ 25 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज शुड बी पेड फॉर टू स्मॉल ग्लासेस, अगर हम स्मॉल ग्लास लेते हैं टू ठीक है एंड थ्री बिग ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस, टू स्मॉल मतलब 10 रुपीज़ हुआ और थ्री बिग ग्लासेस मतलब 30 प्लस 10 40 रुपीज़। ओके तो यहाँ कितना क्वेश्चन 5 मेजर ऑफ मेसल फिल्ड विद वाटर इज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। यहाँ पे मेजरेशन दिया है स्टूडेंट्स ठीक है, जैसे कि वन मग ऑफ वाटर है ठीक है, तो उसमें से कितना कप पानी निकलेगा, थ्री कप ऑफ वाटर, तो यानी थ्री कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन मग ऑफ वाटर, टू मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन जग ऑफ वाटर, थ्री जग ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन बकेट, वन बकेट में से कितना पानी बाहर निकलेगा निकालना हो तो थ्री जग ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट उसके बेसिस पे हम ये फिलअप लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टू मग्स इज इक्वल टू हाउ मच कप्स, टू मग्स दो मग भर के हम पानी लेंगे तो कितना कप्स पानी होगा, तो यहाँ पे मेजरेशन दिया है वन कप ऑफ वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर, तो अगर टू मग लेंगे हम तो कितना वाटर होगा, कितना भर के कप मिलेंगे ठीक है। तो सी हियर अगर वन मग ऑफ वाटर लेते हैं तो थ्री कप ऑफ वाटर बाहर निकाल सकते हैं ठीक है, तो वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर, तो दूसरा हम मग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन है टू मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच कप ऑफ वाटर, सो वन मग इज इक्वल टू थ्री कप, सेकंड दूसरी बार हम मग ड्रॉ करेंगे ठीक है, तो इसमें जितना पानी होगा उतना थ्री कप में होगा, तो वन मग अगेन थ्री कप, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे थ्री और थ्री सिक्स कप ऑफ वाटर, सो टू मग्स इज इक्वल टू सिक्स कप्स ऑफ वाटर। नाउ क्वेश्चन टू फोर मग्स इज इक्वल टू हाउ मच जग्स, तो यहाँ पे देखो फोर मग्स, तो जैसे टू मग्स है वैसे दूसरे टू मग्स आ जाए तो कितने जग होंगे ठीक है, तो देखो अगर टू मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन जग ऑफ वाटर होता है तो फोर मग, देखो ये टू मग ऑफ वाटर होता है तो वन जग होता है, तो दूसरे टू मग लेंगे तो हम यहाँ पे भी वन जग ड्रॉ करेंगे, तो कितने जग हो गए हमारे पास टू जग ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन थ्री टू बकेट्स इज इक्वल टू हाउ मच जग्स, अगर हम दो बकेट्स लेंगे वन बकेट होती है ठीक है, तो कितने जग्स ऑफ वाटर होता है टोटल थ्री जग्स ऑफ वाटर, तो अगर टू बकेट लेंगे ऐसी ये वन बकेट है ऐसी टू बकेट लेंगे तो कितना जग्स ऑफ वाटर होगा, तो देखो स्टूडेंट टू बकेट्स इज इक्वल टू सिक्स जग्स हो गए ठीक है, कैसे सिक्स जग ऑफ वाटर कैसे होंगे देखते हैं यहाँ पे, देखो टू बकेट ले लेते हैं, वन बकेट में कितने जग होते हैं थ्री जग, तो दूसरी एक बकेट यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ठीक है, दूसरी बकेट ऐड कर देते उतना पानी तो कितने जग हो गए, तो फर्स्ट बकेट के थ्री जग्स इज इक्वल टू थ्री जग्स, तो सेकंड बकेट के भी अगेन थ्री जग्स, तो थ्री और थ्री कितने होंगे सिक्स, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिक्स जग्स ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन फोर वन जग इज इक्वल टू हाउ मच कप्स, अगर वन जग भर के पानी है तो कितने कप्स भर के पानी होगा हमारे पास, तो यहाँ पे दिखाया अगर वन जग है तो इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर ठीक है, वन जग ऑफ वाटर इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर एंड वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर ठीक है, सो लेट्स सी हमारे पास वन जग है ठीक है, तो वन जग इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर और वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर, तो वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर, अगेन सेकंड मग लेंगे हम तो दूसरा थ्री कप ऑफ वाटर आ जाएगा क्योंकि वन जग इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर, सो टोटल हमारे पास आंसर आएगा सिक्स कप्स ऑफ वाटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्स कप्स ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन फाइव वन बकेट इज इक्वल टू 18 कप्स, वन बकेट है उसमें कितना कप्स भर के पानी आएगा 18 कप्स, यहाँ पे मेजरेशन दिया है अगर वन बकेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री जग ऑफ वाटर
एंड वन जग ऑफ वाटर इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर एंड वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर। तो हमें ये बकेट में अगर हमारे पास वन बकेट है तो कितने कप होंगे हमारे पास इक्वल टू, ठीक है देखते हैं। सो हियर वी सी वन बकेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री जग ऑफ वाटर, ये हमें यहाँ पे दिया है देखो। एंड थ्री जग ऑफ वाटर इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर जो यहाँ पे दिया है, वन जग ऑफ वाटर इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर। तो अगर थ्री जग ऑफ वाटर है तो कितने मग हो गए, वन जग का टू मग, सेकंड जग का अगेन टू मग, थर्ड जग का अगेन टू मग ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, वन मग ऑफ वाटर इज इक्वल टू थ्री कप ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो वन मग है ठीक है उसके होंगे थ्री कप्स ऑफ वाटर, सेकंड मग के भी थ्री कप्स ऑफ वाटर, थर्ड के भी थ्री कप ऑफ वाटर, फोर्थ के भी थ्री कप ऑफ वाटर, फोर्थ के भी थ्री कप ऑफ वाटर एंड फाइव के भी थ्री कप ऑफ वाटर। अब ये टोटल कप्स का हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन और थ्री एटीन। सो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वन बकेट इज इक्वल टू एटीन कप्स ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिक्स दिया है, वन बकेट इज इक्वल टू हाउ मच मग। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, वन बकेट होती है तो कितने जग होते हैं, थ्री जग्स, ठीक है थ्री जग्स ऑफ वाटर, जो मेजरेशन यहाँ पे दिया है वन बकेट इज इक्वल टू थ्री जग ऑफ वाटर, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और वन जग में कितने मग्स भर के पानी होता है, वन जग इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर, तो वन जग इज इक्वल टू टू मग ऑफ वाटर। सेकंड जग ले लो उसमें भी टू मग ऑफ वाटर, थर्ड जग टू मग ऑफ वाटर, ठीक है टू प्लस टू प्लस टू मिला के कितने कितने मग ऑफ वाटर होंगे, सिक्स मग ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन बकेट इज इक्वल टू सिक्स मग्स ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन सेवन, टू जग्स इज इक्वल टू ट्वेल्व कप्स आएगा कैसे, यहाँ पे देखो वन जग्स इज इक्वल टू टू मग्स दिया है मेजरेशन, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने दो जग ले लिए ठीक है, तो वन जग इज इक्वल टू टू मग्स, तो टू जग्स इज इक्वल टू फोर मग्स, फोर मग्स होंगे ना, देखो वन जग के दो मग्स और दूसरे जग के भी टू मग्स, ठीक है। अब मेजरेशन दिया है वन मग इज इक्वल टू थ्री कप्स, तो देखो वन मग्स के थ्री कप्स, ये मग के थ्री कप्स, ये मग्स के भी थ्री कप्स और ये मग के भी थ्री कप्स, तो टोटल थ्री कप्स, थ्री कप्स, थ्री कप्स, थ्री कप्स और थ्री कप्स, फोर टाइम मिलके टोटल ट्वेल्व कप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टू जग्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू ट्वेल्व कप ऑफ वाटर। टू बकेट्स इज इक्वल टू 36 कप्स कैसे स्टूडेंट, देखो हमने फाइव नंबर की ब्लैंक्स में देखा था वन बकेट इज इक्वल टू 18 कप्स, अगर वन बकेट होता है तो टोटल कप्स कितने होते हैं 18 कप्स, तो अगर टू बकेट्स होंगी तो कितने कप्स होंगे। सी हियर स्टूडेंट्स, अगर वन बकेट होती है, वन बकेट होती है तो हमारे पास टोटल 18 कप्स होते हैं ठीक है, तो अगर दूसरी बकेट होगी तो अगेन 18 कप्स हो गए, तो 18 कप्स और 18 कप्स मिलके 36 कप्स होते हैं। स्टूडेंट्स होमवर्क में आपको कंप्लीट पेज नंबर 77, 78 इन योर मैथ्स वर्कबुक।